शांति इ साउंड ओके एक ट्रू स्टोरी से स्टार्ट करूंगी। एक बी के बहन है कैलीफोर्निया में वो अपने लौकिक बेटे का एग्जाम्पल शेयर कर रही थी कोविड के टाइम में उनका बेटा बहुत वीडियो गेम्स खेलता था और एक दिन वो वीडियो गेम्स खेलते खेलते इतना ज़्यादा उसमें इमर्स हो गया तो उसकी मदर वहाँ पर ही बैठी थी तो उसके वीडियो गेम के कैरेक्टर में कैरेक्टर का नाम था हैरी तो जब भी हैरी को कुछ लगती तो बोलता वो मुझे लग गई हैरी हार रहा था तो बोल रहा था वो मैं मैं हार रहा हूँ हैरी जीत रहा था तो वो बोल रहा था मैं जीत रहा हूँ तो मदर को लगा कि ये तो गेम में कैरेक्टर है ये कैरेक्टर से कैरेक्टर का नाम अपना का नाम क्यों समझ रहा है तो जो कुछ भी कैरेक्टर को हो रहा था गेम में वो सोच रहा था जैसे वो उसे ही हो रहा है तो जब गेम खत्म हुआ तो माधर ने उसको अपने पास बुलाया और उसको बोला बेटे तुम्हारा नाम हैरी नहीं है तुम्हारा नाम तो मैं कुछ और नाम लूंगी तुम्हारा नाम तो राम है तो उसको काफी टाइम लगा समझने में कि मैं राम हूँ कि मैं हैरी हूँ थोड़े दिन गेम बंद किया उसका आज आपको क्या लगता है कि जब बाबा परमात्मा हमें देख रहे हैं तो उसको कैसा फील होता होगा क्योंकि उस वो तो एक निराकार है परमात्मा उसके लिए उसके बच्चे भी सब निराकार हैं वो निराकार आत्माएं अपने आप को हैरी समझ रही हैं वीडियो गेम में आपको लगता है हमारी भी वो ही हालत है जो उस बच्चे की हालत थी लगता है आपको लगता है कि जब जब मुझे रिनी को कुछ होता है तो आत्मा समझती मुझे कुछ हो गया रिनी का फ़ायदा आत्मा सोचती मेरा फ़ायदा हो गया रिनी का नुकसान आत्मा समझती मेरा नुकसान रिनी का परिवार मेरा परिवार आत्मा और पर आत्मा के लिए क्या सच्चाई है राम के लिए क्या सच्चाई थी राम का परिवार अलग था वीडियो गेम में परिवार अलग था ऐसे ही आत्मा के लिए परिवार सिर्फ चार छः जने नहीं हैं आत्मा के लिए विश्व की सारी आत्माएं अपना परिवार है तो जब वो वीडियो गेम से बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि परमात्मा ही मेरा सब कुछ है परमात्मा से ही मेरे सारे रिश्ते हैं और जब उस एक परमात्मा से रिश्ता बनता है तो पता चलता है मेरी सारी आत्माओं के साथ सब मेरे भाई हैं सब मेरे अपने हैं वो लिमिटेड से अनलिमिटेड में आ जाती है तो इसलिए परमात्मा का साथ अनुभव करने के लिए इस वीडियो गेम को वीडियो गेम की तरह देखना है और रियलिटी को रियलिटी की तरह देखना है तो हमारी रियलिटी क्या है हाँ जी हाँ जी मैं आत्मा हूँ और मेरा घर परम धाम है मेरे रिश्ते कहाँ हैं परमात्मा के साथ हैं सारे रिश्ते और सारे भाई आत्माएं कहाँ हैं परम धाम में तो ये क्या चल रहा है अभी भी ये खेल का एक पार्ट है ना ये सीन भी एक खेल में एक पार्ट है इज दैट राइट डज इट फील लाइक दैट दैट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ वीडियो गेम रियालिटी जितना ये मुझे अनरियल लगेगा उतनी मेरी अपनी जो रियलिटी uh -huh. जो बाबा को देख रही है वो रियल होगी तो बाबा के साथ से ये अनुभव होने लगा कि मैं एक वो छोटी सी बिंदु हूँ और मैं छोटी सी बिंदु जब यहाँ खेल खेलने आती हूँ ये कॉस्ट्यूम पहनती हूँ तो मैं अपना एक पार्ट बजा रही हूँ एक छोटा सा मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूंगी स्लाइड शो से ये दिख रहा है आपको बिगर पिक्चर मैप हाँ जी तो मैप में आपको दो चीज़ें दिखेंगी एक है रियल वर्ल्ड जो कि आत्माओं का घर है एक है डॉल शो जो कि ये डॉल शो अभी चल रहा है वो भी डॉल शो का पार्ट है तो आत्मा की जो सिक्योरिटी है वो परमात्मा के साथ से आती है आत्मा को पता चलता है कि मैं एक इमोटल सोल हूँ आत्मा को पता चलता है कि मैं परम धाम की निवासी हूँ आत्मा को पता चलता है मेरा घर एंडलेस है टाइमलेस है ये दुनिया सिर्फ एक थिएटर है ये सिर्फ़ एक कॉन्सेप्चुअल रियलिटी है ये एक ट्रूथ नहीं है इसको समझने के लिए जब ये समझ में आ जाए ये आत्मा ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये बहुत प्रैक्टिकल बन जाती है नॉलेज तो उसके लिए अभी जैसे आप ये इमेज देखेंगे तो इस इमेज में मैं कौन हूँ इस आत्मा ने कई रोल प्ले किए हैं एक जन्म में शायद मुझ आत्मा ने शरीर लिया था जिस शरीर का नाम शायद आना था जो कि अमेरिकन इंडियन वुमेन के शरीर में थी उस वक्त उसकी जो थॉट्स, फीलिंग्स इमोशंस थी वो आत्मा की थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस थी नहीं ना फिर जब आत्मा मान लीजिए ब्लैक अफ्रीकन मैन के शरीर में आई टॉम का पार्ट प्ले किया या सैली का पार्ट प्ले किया उस वक्त थॉट्स, फीलिंग्स इमोशंस अलग थे, तो क्या आत्मा की सच्चाई बदल गई नहीं बदली फिर आत्मा ने शायद हैंडी कैप चाइल्ड का पार्ट प्ले किया या टीना नाम की कोई आ, आ, फीमेल बॉडी का पार्ट प्ले किया थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस जो थीं वो अलग थीं उस वक्त क्या वो आत्मा की सच्चाई बदल गई आत्मा तो चेंजलेस है टाइमलेस है स्टोरी लेस है राइट right? अब आत्मा ने लास्ट जो ये शरीर है ये जो शरीर है अभी ये शरीर का नाम है रीनी अब इस रीनी के कैरेक्टर में कई थॉट्स, फीलिंग्स इमोशंस हो सकते हैं क्या मैं आत्मा वो हूँ क्या मैं आत्मा ऋणी हूं हाँ शरीर को नाम दिया ऋणी राइट आत्मा का नाम ऋणी हो सकता है नहीं ना शरीर का नाम ऋणी हो सकता है राइट तो मैं आत्मा हूं मैंने कई शरीर लिए कई नाम लिए और हर पार्ट में, में मेरी थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस अलग थी ट्रू अब मैं आत्मा इस लास्ट बर्थ में मुझे ये नॉलेज मिलती है कि मैं रीनी नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ मैं रीनी का पार्ट प्ले कर रही हूँ तो सबसे पहले जब बाबा आता है तो बाबा मुझे यही बताता है कि तुम आत्मा हो तो जब मैंने ये ज्ञान लिया और परमात्मा का इंट्रोडक्शन मिला और परमात्मा से जब कनेक्शन हुआ तो महसूसता हुई जैसे एक हल्कापन आया जो बाद में पता चला वो हल्कापन का रीज़न ये था कि आत्मा रीनी से बिल्कुल अलग हो गई जैसे आत्मा को रीनी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर अपना नहीं लगने लगा तो जो भी पास्ट रिग्रेट्स थे पास्ट जो गलतियाँ की थी रीनी के नाम के रीनी के भान में जो भी गलतियाँ हुई थी जो भी अच्छे कर्म बुरे कर्म हुए थे उनका बोझ जैसे हटने लगा ख़त्म होने लगा ऐसा महसूस होने लगा मैं आत्मा तो त्रिकालदर्शी हूँ मृनी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो इस कहानी के कैरेक्टर का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है ये मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर नहीं है मैं आत्मा तो टाइमलेस हूँ इससे क्या फायदा होगा जब मैं इस स्मृति से परिवार में रहूंगी जो कि मैं देख रही हूँ जिस परिवार में रिनी के हस्बैंड हैं रिनी के दो बच्चे हैं रिनी के मदर इन लॉ भी हैं रिनी के सिस्टर्स इन लॉ भी हैं रिनी के पेरेंट्स भी हैं ब्रदर भी हैं सिस्टर्स भी हैं अब मैं आत्मा त्रिकालदर्शी स्थिति में बिल्कुल रिनी से अलग हो गई रिनी की पास्ट प्रेजेंट, फ्यूचर ना गलतियाँ ना अच्छाइयाँ ना सच्चाइयाँ अच्छाइयाँ या बुराइयाँ कुछ भी अपनी नहीं लगती मैं बिल्कुल बाप समान परमात्मा समान हूँ बाबा जैसी लविंग हूँ अनकंडीशनल लविंग प्रेजेंस बाबा के संस्कार ही मुझ आत्मा के संस्कार हैं बाबा जैसे सुख का सागर है मैं आत्मा भी सुख का सागर हूँ बाबा जैसे पवित्र है मैं आत्मा बिल्कुल पवित्र हूँ तो क्या फ़ायदा होगा अगर मैं उस स्मृति से अब परिवार में आके रह रही हूँ और इन्हीं के संस्कार रीनी नाम के संस्कार जो हैं वो आएंगे उसके संकल्प भी आएंगे उसकी फीलिंग्स भी आएंगी पर त्रिकालदर्शी होने से क्या फ़ायदा होगा Detachment. हाँ जी डिटैचमेंट वेरी गुड आत्मा इन इस जो पुराने संस्कार स्वभाव हैं उससे बिल्कुल डिटैच तो इसलिए मेरे लिए हर एक इंटरेक्शन एक गिफ्ट बन जाता है तो कार्मिक बॉन्डेजेस नहीं है कार्मिक लिबरेटर्स हैं मेरे लिए हर एक रिश्ता मुझे मुक्त करने के लिए भेजा गया है मेरे ही पुराने संस्कारों से तो ये भावना आने लगी बाबा के साथ से बाबा का ज्ञान बाबा की सच्चाई अपनी लगने लगी और ये जो देहभान की माया की जो संस्कार हैं पुराने सोचने का तरीका पुराने देखने का तरीका किसी को रोल में देखने का तरीका वो सब फॉरेन लगने लगा एलियन लगने लगा कि ये मैं नहीं हूँ गुस्सा अगर आ भी रहा है किसी पुराने संस्कारवश गुस्से का संकल्प आ भी रहा है तो आत्मा साक्षी हो कि देख रही है उस संकल्प को भी वो सं, वो संकल्प भी अपना नहीं लग रहा है इतनी शक्ति परमात्मा के साथ से आ जाती इसलिए बाबा कहता है साथी और साक्षी जो मेरा साथी है जो बाबा मेरा साथी है तो मैं अपने पुराने संस्कारों से साक्षी हो सकती हूँ छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आ, आ, बेटी ने बोला एक बार आ, जो रीनी की बेटी का पार्ट प्ले कर रही है आत्मा उसने बोला आ, कुछ लाइफ में जैसे आती हैं फिल्म चल रही है ना ये एक फिल्म है ड्रामा में उसका पार्ट है उस आत्मा का कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है कॉलेज में और बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं कॉलेज में अब वो अपनी प्रॉब्लम सुना रही है अब आप अगर मैं मदर के रोल में सुनूंगी तो क्या फ़र्क होगा और मैं आत्मिक स्वरूप में सुनूंगी तो क्या फ़र्क होगा हाँ जी हाँ मदर के रोल में सुनूंगी तो मैं खुद टेंशन में आ जाऊंगी क्योंकि मैं अटैचमेंट आएगा अटैचमेंट आएगा और मैं मदर के रोल में सुन रही हूँ तो मुझे लगेगा अब मैं क्या करूँ उसको शायद वापस बुला लेती हूँ क्योंकि वो लंदन में रहती है मैं कैलिफोर्निया में रहती हूँ अब उसका कोई वहाँ रहने वाला नहीं है कोई रिलेटिव्स आस नहीं है कुछ भी हो सकता है तो अब मैं कैसे उसको उसको हेल्प करूँ या मैं वहाँ जाके ही रह जाऊँ उसकी मदद करने इस हद तक भी जा सकते हैं ना हम या yeah. तो अगर मैं मदर की कॉन्शियसनेस में हूँ उस स्मृति में हूँ तो मेरे रिएक्शंस बिल्कुल अलग होंगे पर क्योंकि ये ज्ञान है बाबा का साथ है तो बाबा के साथ से क्या हुआ मैं उसकी बात सुन रही हूँ पर कौन सुन रहा है मदर सुन रही कि आत्मा सुन रही है बाबा के साथ हुँ. तो जब मैं आत्मा आत्मा सुन रही हूँ बाबा के साथ तो उस आत्मा की मदर कौन है बाबा है उस आत्मा की मदर तो उसको शक्ति कौन दे रहा है बाबा दे रहा है क्या बाबा उसका ड्रामा ठीक करेगा नहीं बाबा किसी का भी ड्रामा ठीक करने के लिए नहीं आया है बाबा किस लिए आया है आत्मा को जागृत करने के लिए आए ना कि तुम आत्मा हो अपना पार्ट नहीं हो जो भी जो भी तुम्हारे पार्ट में ऊपर नीचे आएगा वो तो आएगा वो मैं ठीक करने नहीं आया हूँ जैसे बाबा बोलते थे मैं ब्रह्मा बाबा की भी खांसी ठीक नहीं कर सकता तो मैं तुम्हारे पार्ट में तुम्हारी सिचुएशंस को ठीक करने नहीं आया हूँ पर मैं तुम आत्मा को जगाने के लिए आया हो ताकि तुम अपने आप अपनी शक्ति को जागृत हो अपनी सच्चाई को जागृत हो और सच्चाई को पहचान कर तुम अपनी सच्चाई से अपनी सिचुएशन को फेस करो तो जब उसने ऐसे फ़ोन किया तो मैं आत्मा सुन रही हूँ मैंने कहा बाबा आप आ जाओ आपका बच्चा कुछ बोल रहा है आप सुनो क्या बोल रहा है क्योंकि आप माँ हो मैं तो एक एंजल हूँ एंजल के साथ एंजल इंटरेक्ट कर रही है अब कोई मदर और वो रोल तो है नहीं तो एंजल एंजल के साथ इंटरेक्ट कर रही है एक और बाबा बात बोलते हैं मर जीवा डाय अ लाइव मैंने कभी नहीं सोचा मरने में इतना मज़ा आएगा <laughs> पर मरने में भी बहुत मज़ा है पर अगर सही तरीके से मैं आत्मा अपने रोल्स को मर जाती हूँ कि मैं ये रोल नहीं हूँ मैं सोल हूँ जो रोल प्ले कर रही हूँ तो मैं अपने पुराने संस्कारों रोल के जो संस्कार हैं उनसे मर जाती हूँ फिर उन संस्कारों को मैं अपना संस्कार नहीं देखती तो मदर की अगर टेंशन आ भी गई तो बाबा मैं अपने मन को साफ रख रही हूँ मन में जो भी अगर टेंशन आ भी रही है वो मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि वो मैं नहीं हूँ मैं कौन हूँ मैं आपका बच्चा जो सिर्फ आपका चैनल हूँ अब आपको जो मुझे यूज़ करके उस आत्मा को जो भी शक्ति देनी है आप दे दो मुझे नहीं पता उस आत्मा को क्या चाहिए ना मैं उस मुझे उसकी सिचुएशन ठीक करनी है मुझे कुछ भी नहीं करना मेरी कोई भी इच्छा नहीं है मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूँ मेरी कोई भी इच्छा नहीं है बस मुझे इतना पता है कि उस आत्मा का सत्य क्या है और उस आत्मा का सत्य है कि वो भी बाप समान है जैसे मैं बाप समान हूँ वो भी पावरफुल है जैसे मैं पावरफुल हूँ उसने भी कई जन्म लिए हैं जैसे मुझ आत्मा ने कई शरीर लिए कई थॉट्स, फीलिंग्स इमोशंस आते थे पर जैसे वो थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस मैं नहीं हूँ ये आत्मा भी वो अपने थॉट्स फीलिंग्स और इमोशंस नहीं है तो अब आप देखें मैं सिर्फ आपका चैनल बन के बैठी हूँ और सुन रही हूँ जब आपको कुछ बोलना हो तो इस मुख को यूज़ कर लेना अभी मैं सुन रही हूँ आपके कान बन के आप उन बातों को आप सुनो आप माँ हो मैं चैनल हूँ बीच में एक घंटा बात की सुन रही हूँ सुन रही हूँ पर मेरी एक ही प्रैक्टिस है उस वक्त मेरा एक ही अटेंशन है मैं कौन मेरी नज़र सिर्फ अपने आप पर है कि मेरे अंदर अगर कोई माँ का ख्याल भी आ रहा है सीधा बाबा को दे दूँ ताकि वो पल्यूट ना कर दे वाइब्रेशंस को और बाबा को जो देना है बाबा आराम से दे सकता है और जब मैं रिनी जब मैं आत्मा रिनी को डिस्पेंसेबल बना देती हूँ डिस्पेंसेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे जब रिनी इम्पॉर्टेंट नहीं है तो अपने आप बाबा को जो देना होता है वो देता है आत्मा को फिर वो आत्मा धीरे धीरे अपने आप शांत हुई जैसे जो बाबा को देना था उसने दिया तो उसमें कोई सेंस ऑफ डूअरशिप भी नहीं आया कि मैंने कुछ किया या मेरे द्वारा कुछ भी हुआ मेरा एक काम था अपने आप को बीच में से निकाल देना माँ और बच्चे के बीच में से हड्डी को निकाल देना <laughs> और वो हड्डी थी रिनी आइडेंटिटी मदर आइडेंटिटी उस हड्डी को निकाल दो तो फिर बाबा अपने बच्चे का ध्यान अपने आप रखेगा ऐसे कई सीन्स आते हैं हम सब कर सकते हैं और ये इतना इजी है हम सब कर सकते हैं सिर्फ एक काम करना है मैं कौन और मैं किसकी बाकी सब अपने आप होता है कई सिचुएशंस और भी आती हैं जैसे कभी लाइफ में उतार चढ़ाव भी आ सकते हैं बच्चे की लाइफ में सक्सेस भी आ सकती है या परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेसफुल सिचुएशंस भी आ सकती हैं तो आप क्या करते हैं इस वक्त खुशी मनाते हैं <laughs> खुशियाँ मनाते हैं क्या होता है खुशियाँ मनाने से आत्मा हैप्पी होती है मान लीजिए पति को स पति का प्रमोशन हो गया बच्चे को बहुत अच्छे कॉलेज में कॉलेज में एडमिशन मिल गया हाँ <laughs> बच्चे को बहुत बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल गया है <laughs> बहुत बढ़िया जॉब मिल गई खुशी होती है अंदर ऊपर वाला, वाला दे रहा है जॉब अच्छा और और बताएंगे <laughs> ग्रेटफुलनेस की फीलिंग गिव्स यू हैप्पीनेस और वेरी गुड ये सिर्फ़ एक ड्रामा है उस बच्चे की या उस पति की या जो परिवार के जो भी सदस्य हैं उनकी सक्सेस उनका फेलियर उनकी पहचान नहीं है क्योंकि अगर मैंने उनकी सक्सेस में खुशी मनाई तो मैं उनके दुख में भी दुख लूँगी पॉसिबल नहीं है कि मैं दुख नहीं लूँगी तो मैं फंस गई वीडियो गेम में मैं फंस गई फिल्म के अंदर आत्मा अपने आप को रिनी समझकर वीडियो गेम के परिवार को अपना परिवार समझकर फंस गई उस वीडियो गेम के फिल्म में फंसना है किसी को <laughs> नहीं फसना ना <laughs> नहीं फंसना तो क्या फिर हम खुशियां नहीं मनाए क्या करें <laughs> हाँ बाबा को बता दें ये भी बाबा फिल्म का एक पार्ट है जैसे अगर मान लीजिए अमिताभ बच्चन को आ, कोई फिल्म में लॉटरी लग जाती है क्या वो खुश हो जाता कि मुझे लॉटरी लग गई नहीं ना ऐसे ही मैं आत्मा भी अगर किसी परिवार के सदस्य की, की लॉटरी लग गई या कुछ हो गया मुझे पता ही एक फ़िल्म चल रही है इसमें ना कोई खुशी है ना कोई गम तो ड्रामा से जो आत्मा ना गम लेती है ना खुशी लेती है उसकी खुशी सिर्फ परमात्मा के साथ से अपनी सच्चाई से आत्मा फॉर एवर फॉर्चुनेट है इसलिए जब इस आत्मा के जीवन में जब रीनी के आत्मा के जो पार्ट चल रहा है रीनी का पार्ट उस पार्ट में जब परिवार में उतार चढ़ाव भी आया और एकदम से ऊपर चढ़ाव भी आया तो ना खुशी हुई ना गम हुआ वेरी गुड वेरी गुड तो जब आत्मा हूँ उतार चढ़ाव सिर्फ ड्रामा का एक खेल का पार्ट है तो जब मेरा ये जो विज़न डिस्टॉर्टेड विज़न है ये जब ठीक होने लगता है ना तो फिर ना उतार ना चढ़ाव कुछ मुझे फील नहीं होता हम्म इसलिए खेल खेल रहे खुशी, हैं ना हम्म हाँ 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 पर मैं कौन हम्म हाँ पर मैं संगीता बन जाती हूं तो मैं संगीता बन के अगर दुख लूंगी तो सुख भी लूंगी ड्रामा से सुख भी लूंगी तो दुख भी लूंगी है ना पर अगर मैं आत्मा हूं और मुझे ये पता है मैं आत्मा हूं और पार्ट प्ले कर रही हूं तो मैं सदैव सुखी रहूंगी निरंतर सुखी रहूंगी साक्षी दृष्टा होकर खेल खेलूंगी तो मेरी मेरा सुख निरंतर सुख रहेगा फिर फिर स्माइल हमेशा रहेगी ऑथेंटिक स्माइल ऑथेंटिक स्माइल रहेगी झूठी स्माइल नहीं रहेगी है ना वो वेरी गुड वेरी गुड मैं आत्मा रीनी को देख रही हूँ या रीनी आत्मा को देख रही है ये तीन लेवल पे प्रैक्टिस होती है हमारी एक होती है जब हम शूद्र जीवन छोड़ते हैं और ब्राह्मण बनते हैं तब मैं बी के बन जाती हूँ बी के रेणी बन के मैं आत्मिक प्रैक्टिस करती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है उसके बिना तो मैं एंजल भी हो नहीं सकती तो जब बी के बनती हूँ तब परमात्मा का इंट्रोडक्शन मिलता है मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाती हूँ परमात्मा के प्यार से मुझे बाहर की दुनिया की चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती ना मुझे वो पुल कर सकती ना मुझे वो पुश कर सकती हैं फिर पता चलता है कि बीके रेणी की भी आइडेंटिटी मुझे छोड़कर मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ एंजल हूँ वो स्मृति जब रह जाती है तो वो स्मृति से मैं सारे पुराने विकारों को भी देख सकती हूँ संस्कारों को भी देख सकती हूँ उससे जो संकल्पों की उत्पत्ति होती है उसको भी देख सकती हूँ सब कुछ देख सकती हूँ और मेरी स्थिति एक रस रहती है इसीलिए संगम युग को बाबा बोलते हैं मौजों का युग है क्योंकि मैं नॉलेज फुल आत्मा हूँ तो परमात्मा के साथ जब कनेक्शन होता है तो सिर्फ आत्मा और परमात्मा का ज्ञान ही नहीं मिलता मुझे माया का भी पूरा ज्ञान मिलता है एक एक संकल्प में मुझे माया की क्लैरिटी से दिखती है माया भी तो जब माया क्लैरिटी से दिखती है तो फिर मुझे डर नहीं लगता क्योंकि मैं परमात्मा के साथ हूँ अभी हम माया के ही संकल्प को अपने आप को समझ कर चलते हैं जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ जैसे संकल्प आया अंदर से ये बहुत मुश्किल है ये इजी नहीं है आ सकता है ये संकल्प आ सकता है परिवार में रहकर कैसे करूँ ज्ञान की प्रैक्टिस बहुत मुश्किल है सब कुछ करना अब ये आत्मा नहीं बोल रही है ये माया का कोई संकल्प है जो बोल रहा है अब मैं आत्मा उससे अपनी पहचान न बनाऊं संकल्प स्वरूप न रहकर स्मृति स्वरूप रहूं तो स्मृति स्वरूप से मैं उस संकल्प को भी साक्षी होकर देख सकती हूं कि यह संकल्प मेरा नहीं है पुराने संस्कार से कुछ पैदा हुआ है ये संकल्प तो ये संकल्प से मैं अपनी पहचान नहीं बनाती अभी जैसे ये रिनी गई थी अपनी मदर इन लॉ को मिलने उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो उन्होंने आ, आ, अभी उनके साथ बैठी थी ये उनको अपने आ, उस आत्मा के पार्ट में उनको अपने पति की याद आकर बहुत रोना आ रहा था बहुत रोना आ रहा था उनकी रिनी की सिस्टर इन लॉ भी वहाँ बैठी थी और उनको बहुत रोना आ रहा था मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं आप बताएंगे तीन ऑप्शंस क्या ऑप्शन है? है हग कर लो सब कुछ खत्म और क्या ऑप्शन है हाँ जी उनको ब्लेसिंग्स देना और उनके दुख में दुखी होना हम्म और <laughs> और क्या ऑप्शंस हैं दुख लेना नहीं है ना दुख लेना नहीं है हम्म तो सबसे पहले उस आत्मा को उसके पार्ट से अलग करना हक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मैं किस स्मृति में उनको हक कर रही हूँ ताकि वो चुप हो जाए उनका रोना गलत है उनको रोना नहीं चाहिए क्या वो गलत है रोने के लिए नहीं ना गलत नहीं है रोने के लिए रोना आ सकता है पार्ट है ना उनका रोने का पार्ट प्ले कर रही है आत्मा का क्या नेचर है आत्मा का क्या ट्रुथ है आत्मा बहुत सुखी है पहले मुझे अपनी दृष्टि को बदलना है आत्मा बहुत सुखी है पार्ट प्ले कर रही है रोने का वो उसकी सच्चाई नहीं है तो पहले अपनी स्मृति पे काम किया अपने आप अंदर परिवर्तन लाए तो उस आत्मा को क्या वाइब्रेशंस मिल रही हैं कि कोई उनको रोता हुआ नहीं देख रहा है कोई उनको उनकी सच्चाई के ऊपर लाइट शाइन कर रहा है है ना उनकी ट्रूथ को देख रहा है उनके टेम्प्ररी पार्ट को नहीं देख रहा है उनकी टेम्पररी पार्ट को रियलिटी नहीं देख रहा है उनके ट्रुथ को देख रहा है तो जब मैं आत्मा उनकी बाबा के साथ कंबाइन होकर सिर्फ उनकी ट्रुथ पे लाइट शाइन कर रही हूँ अपने आप उस आत्मा को पावर महसूस होती है उसको महसूसता आती है अंदर से कि कोई मेरी सच्चाई देख रहा है उसको महसूसता आती है कि कोई मुझे मेरे मेरी पहचान रोने के पार्ट से नहीं कर रहा है और वो एकदम शांत हो जाती है हक करने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपने उस आत्मा को सच्चाई की लाइट की हक दे दी है ना तो ये छोटी 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 बातों में हमें पूरा ध्यान अगर हम देंगे कि मैं कौन हूं किसी को कुछ कहना है किसी को कुछ पूछना भी है जैसे परमात्मा ने हमें आत्मा की क्रियाओं के बारे में भी ज्ञान दिया है कि आत्मा मन बुद्धि संस्कार सही थे वो सारी क्रिया है. और दूसरी ओर हम कुछ एक शारीरिक क्रियाओं को भी करते हैं जब ये आत्मा और शरीर के बारे में हम जब सोचते हैं कौन सी क्रिया पहले होती और कई बार ये भी समझाया गया है कि आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से है लेकिन उसकी जो बहुत ही सूक्ष्म और एक साथ होने वाली क्रिया जो मन है उसका पहले शरीर से संबंध होता है तो यदि हम उस क्रिया को अच्छी तरह से समझ पाए तो ये डिटेच होना मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाता है आत्मा परमधाम में निराकार निरसंकल्प है जब वो पहली बार सृष्टि चक्र में आती है तो मन एक्टिवेट हो जाता है परम धाम में तो निरसंकल्प है और सत्युग में जब पहली बार आती है पहला शरीर लेती है आत्मा तो उसका मन एक्टिवेट होता है तो यस मन बुद्धि संस्कार आत्मा के अंदर है पर आत्मा इन तीनों की मालिक है वो हम भूल जाते हैं जब हम आयरन एज में आते हैं आयरन एज तक फिर संगम युग में बाबा हमें वापस याद दिलाता है कि तुम हो मन बुद्धि संस्कार की मालिक तो तुम आत्मा निरसंकल्प हो जो मन को यूज़ करके संकल्प क्रिएट करती हो पर अभी आज क्या हो रहा है मन हमें यूज़ कर रहा है और आत्मा सोई पड़ी है इसीलिए बाबा हमें उठाने आया है कि तुम जागृत हो तो तुम मन को यूज़ कर सकती हो रीनी कहाँ पर रहती है रीनी कहाँ की क्रिएशन है रीनी भी एक रिकॉर्डिंग है मन के अंदर रीनी जो एक पार्ट है मन के अंदर रिकॉर्डेड पार्ट है पर आत्मा अपने आप को रीनी समझ कर जीवन चला रही है आज यही कन्फ्यूजन है सबसे बड़ा इसीलिए बाबा कहने आया है कि तुम आत्मा हो ये भी एक पार्ट है बाबा को रीनी दिखती है क्या बाबा जानता है रीनी कौन है बाबा को क्या दिख रहा है बाबा को कौन दिख रहा है बाबा को सिर्फ एक छोटा सा सितारा दिख रहा है जिसमें जो कि ओनली लिविंग कॉन्शियंट बींग ऑन दिस एंटायर यूनिवर्स अगर आत्मा ना हो तो इस सृष्टि चक्र में खेल ही ना चले तो रिनी भी एक रिकॉर्डिंग है आत्मा के मन के अंदर रिनी में कोई सच्चाई नहीं है ये तो ब्रांड नेम है बॉडी का <laughs> ना? है ना ब्रांड नेम है अब इस ब्रांड नेम को मैं समझकर मैं चल रही हूँ ये मेरा पति ये मेरे बच्चे ये मेरा मेरा घर ये मेरा परिवार इनको कुछ हो गया बस भगवान है ये ठीक रहे बाकी क्यों बाकी मेरा परिवार नहीं है बाकी सब आत्माएं मेरा परिवार नहीं है अगर मैं अपने बच्चे की रीनी के बच्चे की सक्सेस को सेलिब्रेट करती हूँ मतलब मैं किसी और के बच्चे के फेलियर को भी सेलिब्रेट कर रही हूँ है ना <laughs> नहीं ये छोटे छोटे कर्म बन जाते हैं हमारे तो कार्मिक अकाउंट्स और कुछ नहीं है अपने आप को रिनी समझना ही सबसे बड़ा कार्मिक अकाउंट है तो कार्मिक अकाउंट्स बनते जाएंगे क्योंकि फिर उस भान में जो भी मैं कर्म करूंगी वो सिर्फ संगीता से और संगीता से रिलेटेड जो आत, जो जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं वो ही इम्पॉर्टेंट हैं वो ही मेरा परिवार है आप माइक लेंगे आप माइक मैंने जो अभी अपनी लाइफ में देखा है वो मैंने अपने आप को देखा सबको देखा है ऊपर नहीं।, नहीं देखा है तो स्टोरी ऐसे क्यों बनाई गई या एंजल्स ऐसे क्यों कि ऊपर है फिर आत्माएं नीचे आई शरीर बना ऐसा भी तो हो सकता है धरती है परमात्मा मेरे आसपास है मुझे शरीर दिया मैं ऊपर जाऊंगी तो सिर्फ आत्मा जाऊंगी एक लाइट जाऊंगी है ना फिर मैं घूमती रहूंगी फिर किसी का शरीर लेके वापस आऊंगी तो ऐसा मेरे कहने का मतलब है ऐसा ही क्यों है कि ऊपर ही परमात्मा है वहीं पर आत्मा जाएगी आत्मा का शरीर नहीं है आत्मा का शरीर हर समय है आज मेरे ये वाला बॉडी है कल हो सकता है ये बॉडी होगा वो बॉडी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है पार्ट प्ले करने में है तो हो सकता पार्ट प्ले है, करने पार्ट में पार्ट ऊपर प्ले कर रही हूँ ये मेरा घर है मैं तो यहीं से आई हूँ हकीकत यही हो जो आज मैं जमीन पे अभी हमने वीडियो गेम की एनालॉजी दी थी ना वही तो वो एक तुम्हारा सोच है मैं बोलती हूँ मैं ऐसा सोच के कल ऐसा क्रिएट कर दूं कि हम यहीं से उत्पन्न हुए हैं यही से सब कुछ हुआ है वो भी हो सकता है मेरे कहने का मतलब ये है हां मतलब अपनी अपना पर्सपेक्टिव है हाँ, बाबा जब आता है हमें एक नया दृष्टिकोण देता है है ना जो हम स्पिरिचुअल मॉडल में सीखते हैं हमें एक नया दृष्टिकोण मिलता है हम उस नए दृष्टिकोण से देखते हैं कि बाबा ट्रुथ है गॉड इज ट्रुथ ये हमने सबने सुना है या <laughs> ट्रुथ की डेफिनेशन क्या है पर भगवान मेरे पास है हाँ, बाबा हम सबके साथ हैं हाँ वो मेरे साथ है तो ऐसे कैसे नहीं कि वो मेरा शरीर नहीं देख सकता वो मुझे पहचानता है कि मैं संगीता हूँ है ना वो जानता है मैं संगीता हूँ वो जानता मैं मानती हूँ वो जानता है आप आप सोच रहे हो वो नहीं जानता नहीं। तुम सोच रहे हो वो नहीं जानता लेकिन मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे जानता है मैं आवाज़ देती हूँ तो वो मेरे साथ होता है नहीं तो वो कहीं पर भी चला जाएगा न तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ ऊपर वाले ने भेजा है तो वो हर एक को पहचानता है उस तभी तो वो वो परमात्मा है है जानता जब हम ज्ञान लेते हैं ना तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मैं ये नहीं बोलूंगी गलत या सही कुछ नहीं, भी है सही, कुछ, कुछ भी नहीं, नहीं है डिफरेंट तरीका है डिफरेंट दृष्टिकोण है देखने का हमारा जो दृष्टिकोण है इस इस स्टडी में जैसे हम देखते हैं इस स्टडी में हमारा दृष्टिकोण है कि मैं आत्मा हूँ और मैं यहाँ पर ये सृष्टि रंगमंच एक थिएटर है है ना? फिजिकल वर्ल्ड एक थिएटर है और मैं आत्मा यहाँ आकर कॉस्ट्यूम लेती हूँ और कॉस्ट्यूम पहनकर अपने पार्ट बजाती हूँ पार्ट बजाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इट इज़ अ लॉट ऑफ फन टू प्ले डिफरेंट पार्ट्स एज लॉन्ग एज द सोल नोज एंड डजेंट फर्गेट हिमसेल्फ प्लेइंग द पार्ट राइट आत्मा इनविजिबल एक्टर आत्मा है रिनी तो टेम्प्ररी है ना रिनी ट्प्ररी पार्ट है रीनी शरीर को नाम दिया गया था जब बच्चा पैदा हुआ था फिर किसी ने बोला तुम रीनी हो उस बच्चे को no. yeah. आत्मा आई शरीर में तब उसका कोई नाम नहीं था फिर नाम दिया गया शरीर को जब शरीर को नाम दिया गया तो किसी ने बोला रीनी अच्छी है रीनी बुरी है रीनी में ये स्किल है तुम रिनी हो तुम्हारा तो नाम रिनी है रिनी के मम्मी ये है रिनी के पापा ये हैं रिनी के परिवार वाले ये हैं तो जैसे जैसे टाइम हुआ पता चला कि मैं आत्मा अपने आप को ही रीनी समझने लगी देह के नाम को रूप को ही मैं अपने आप को समझने लगी एक टाइम वो भी आएगा जब आत्मा ये शरीर छोड़ देगी फिर रीनी कहाँ गई है ना? वो तो भी है, रीनी बॉडी नहीं है बॉडी का नाम रीनी है, हाँ, है ना? कहने का मतलब यही है कि जो शरीर है उसका नाम जो दिया है वो कल यही रह जाने वाली है है ना, है ना? तो ट्रुथ परमानेंट होता है ट्रुथ कांस्टेंट yes. होता है ट्रुथ नेवर चेंजेस जब अगर ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया ही है तो आत्मा के साथ रहके मैं शरीर में ही हैप्पी रहूँ ना फिर क्यों मैं अपनी आत्मा को अलग से देखूं मैं शरीर के साथ ही हैप्पी रहूं मेरे कहने का मतलब ये हम इसके बारे में बैक स्टेज भी बात करेंगे <laughs> है ना <laughs> थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए है ना मैं कौन की क्लैरिटी बिल्कुल हाँ जी ओम शांति ओम शांति एज लॉन्ग एज आई अंडरस्टैंड टू जस्ट हमें जो समझाना चाहते हैं और ये संगीता बहन जो बोलना चाहते हैं, बेसिकली आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर कुछ अलग हो तो आप मुझे बोल सकते हैं कि भाई ऐसा तो है नहीं ऐसा। नहीं आप जरूर बोलें बाबा किसी का भी यूज कर सकते हैं बेसिकली जब हम पूरे दिन काम करते हैं रात को सो जाते हैं वैन हम जब सो जाते हैं रात को हमको सपना आता है नींद में तब हम उसमें उतना हो जाते हैं घुल मिल जाते हैं कि अगर हमें कुछ अच्छा सपना आता है बुरा सपना आता है या हम कहीं दौड़ रहे कोई हमारे पीछे है फिर जब हम उसमें से बाहर निकल जाते हैं तब हमें पता चलता है कि भाई ये 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 कुछ सच नहीं था नहीं। ये तो सिर्फ मैं देख रहा था मेरे सपने में ओके दूसरी बात है फिर हम कभी डीप स्लिप में चले जाते हैं कि जब हमें मैं कई बार हूँ ऐसा मुझे बांध भी नहीं रहता एकदम ज़ीरो हो जाता हूँ टोटली ब्लैंक राइट और वो जो होता है अगर आप किसी भी अटैचमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा अटैचमेंट अगर न्यू बॉर्न बेबी और उसकी मदर ले लीजिए बरोबर भर, अगर न्यू बॉर्न बेबी की मदर भी अगर थोड़ी देर सो जाती है तो उसके सारे रिश्ते टेम्परली सब कुछ वो चली जाती है उसे ये भी चिंता नहीं होती कि मेरे बेटी का या बच्चे का क्या होगा और फिर हम जागते हैं तो ये हमारा ये रियल वर्ल्ड जो हम प्ले कहते हैं ये प्ले ही है लेकिन ये तीनों चीज़ को कोई एक जो बाबा के साथ हम देख रहे हैं वो हम हैं वो मैं जरा नहीं वेरी गुड ड्रीम रियलिटी एंड वेकिंग रियालिटी तो आत्मा बाबा के साथ वेकिंग रियलिटी में है बाबा को ये सब दिख रहा है एक सपने की दुनिया जिसमें आत्मा अपने को रिनी समझ कर चल रही है है ना तो या आत्मा अपने आप को संगीता समझ कर चल रही है एक सपना है रिनी में ये आत्मा के लिए रिनी एक पार्ट एक वी आर द फोर्थ वन वी आर नॉट द ड्रीमर ड्रीम कम इन दाइट वी आर नॉट द डीप स्लीप एंड वी आर नॉट दिज वन एंड और ये तीन सिचुएशन को जो देख रहा है वो हम हैं हाँ मैं डिटैचड ऑब्जर्वर परमात्मा के साथ एक छोटा सा बिंदु जिसकी कोई कहानी नहीं है स्टोरी लेस चेंज लेस ट्रुथ लाइक गॉड वो आत्मा मैं परमात्मा के साथ हूँ अभी भी ऊपर से देख रही हूँ, ये भी खेल का पार्ट चल रहा है इसमें कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कोई आंसर दे रहा है ये एक पार्ट चल रहा है खेल चल रहा है ये ड्रीम रियालिटी है हाँ जी Actually, बिल्कुल आत्मा शरीर के बिना पार्ट प्ले कर नहीं सकती पर यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना सोल डज नॉट नीड द बॉडी टू एग्जिस्ट इट मे नीड द बॉडी टू प्ले द पार्ट इट कैन नॉट कम इन द फिजिकल वर्ल्ड विदाउट द बॉडी इट कैन नॉट प्ले द पार्ट बट सोल डज नॉट नीड द बॉडी टू एग्जिस्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस That I the soul do not need the body to exist, but I the soul need the body to play my part. And it is a fixed film which is recorded in the mind of the soul. ये जब स्मृति है तो जब मैं किसी भी आत्मा से मिलती हूँ मुझे पता है कि वो आत्मा एकदम साइलेंट पीसफुल डिवाइन बींग है जिसका पार्ट चल रहा है रिकॉर्डिड पार्ट चल रहा है अगर वो आके रीनी को इंसल्ट कर रहा है या रीनी को प्रेज भी कर रहा है तो मैं कौन वो मेरी मदद कर रहा है ये टीच करने में कि मैं कहाँ तक स्टोरी में फंसी हुई हूँ या कहाँ तक मैं स्टोरी से बाहर हूँ अगर वो इंसल्ट कर रहा है अंदर हर्ट की फीलिंग आ रही है तो मैं आत्मा साक्षी हो कि अगर नहीं देख रही मैं हर्ट को ही मैं समझ रही हूँ तो मैं आत्मा स्टोरी में फंसी हुई हूँ पर अगर हर्ट की फीलिंग आ रही मैं आत्मा देख रही मेरा अटैचमेंट अभी तक इस रेनी नाम की गुड़िया से है ये आत्मा तो मेरी मदद कर रही है अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला था जब कोई गुस्सा करता है ना आपके ऊपर वो आपको दुआएं दे रहा है याद है किसी को संडे की मुरली में जब कोई गुस्सा करता है वो दुआएं दे रहा है तुम्हें वो तुम्हें याद दिला रहा है तुम कौन हो आत्मा के बिना एग्जिस्टेंस नहीं है नहीं है इसीलिए बाबा हमें बोल रहा है अब संगम युग एक ऐसा युग है जब तुम आत्मा शरीर में रहते हुए शरीर के भान से अलग होकर इस जीवन को आत्मिक स्वरूप में गोल्डन एज से भी बेटर रहिए क्योंकि तुम्हें दोनों कॉन्ट्रास्ट का पता है गोल्डन एज में तो कॉन्ट्रास्ट भी नहीं पता संगम युग में तो तुम्हें कॉन्ट्रास्ट पता है दोनों ऑपोजिट्स पता है माया का एक एक रूप तुम्हें पता है और अपना सत्यता भी तुम्हें बिल्कुल हंड्रेड परसेंट से पता है तो इसलिए बाबा बोलता है संगमयुग तो डायमंड एज है जो आत्मा अपनी सच्चाई में स्थित होकर संगम युग में अपने अंदर की जो रीनी भान की माया है उसको साक्षी होकर देखकर भी बहुत सुख स्वरूप में रह सकती वो ही में आएगी क्योंकि उसने इत उस उस आत्मा की जो पावर है कितनी कितनी हिम्मत चाहिए बाबा का साथ होता है तो वो मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती है बस ये फ़र्क है इसलिए बाबा के साथ से हर एक आत्मा का पार्ट एक दुआ बन जाता है मेरे लिए इस तो आप घर में रह रहे हैं जिस भी परिवार में रह रहे हैं आप हर आत्मा के पार्ट को एक दुआ देख रहे हैं तो उनको कैसी फीलिंग आ रही है आपसे वो आप पे गुस्सा हैं और आपको लग रहा है वो आपको दुआएं दे रहे हैं <laughs> तो कैसी फीलिंग आएगी उनका गुस्सा करना का इच्छा भी नहीं होगी आपके ऊपर इसको याद है ये नाम नहीं लूँगी पर जो भी एक रिश्ता था क्लोज उसके साथ वॉक पर जा रही थी एकदम से उन्होंने कोई बात होगी ड्रामा के सीन के अनुसार जो रिकॉर्डेड पार्ट था उन्होंने एकदम से इसके ऊपर गुस्सा किया ये आत्मा बाबा के साथ बैठी थी उस वक्त मुझे पता भी नहीं चला कि क्या हुआ उस वक्त इंसल्ट आई और कहाँ जैसे बाउंस बैक हो के कहीं और ही चली गई वो आत्मा एकदम से वो उसको समझ में नहीं आया उसने कुछ गलत किया पर उसके अंदर भी गिल्ट की फीलिंग नहीं आई वो एकदम उसको पता चला उसने कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था पर गिल्ट की भी फीलिंग नहीं आई और वो भी एकदम शांत रही तो इससे मुझे पता चला कि जब मैं आत्मा बाबा के साथ होती हूँ और कोई आत्मा अपने पार्ट अनुसार कोई कर्म कर भी रही है उसको इमीडिएट रियलाइजेशन भी हो जाएगा और उसको गिल्ट की फीलिंग भी नहीं आएगी ये उसमें उसको आत्मिक पावर अपनी खुद की आत्मिक पावर भी बढ़ जाएगी तो उसको भी गिल्ट फीलिंग नहीं आई ये बहुत बड़ी चीज़ है हमें लगता है नहीं नहीं उसको गिल्ट पता होना चाहिए ना रियलाइजेशन अगर तभी तो अगली बार नहीं करेंगे वो ऐसा किसी को गिल्ट फील होना चाहिए नहीं ना हाँ नहीं होता तो हम रियलाइज कराने की कोशिश करते है ना पता चलेगा है ना और बाबा के साथ कोई भी शब्द नहीं बोला कुछ भी नहीं बोला उसको अपने आप रियलाइजेशन भी हुई और उसकी गिल्ट वहीं पर ख़त्म भी हो गई हाँ जी ओम शांति दीदी ओम शांति दीदी एज यू सैड दट वैन द फैमिली इज़ फैमिली जनरली गोज टू मेनी अप्स एंड डाउंस राइट तो जब फैमिली में अप्स हो रहे होते हैं सेलिब्रेशन्स होते हैं दैट्स अ टाइम इफ यू डोंट पार्टिसिपेट आई मीन डोंट पार्टिसिपेट एज एन यू रिमेन डिटैच्ड फ्रॉम द सेलिब्रेशन्स राइट बट्स दैट्स स्टिल ओके लाइक दे आर हैप्पी सो देट द टेक इट ईजी बट वैन दे आर लाइक यू नो अंडर सम काइंड ऑफ टर्मोयल एंड You can't really remain uh, indifferent towards them. Uh, that gives them the feeling of like, you know, नो ऐसा कि uh, uh, वो अगर कैसे है ना कि मैं ये भी नहीं कह रही कि वो नहीं समझ रहे हैं वो ज्ञान में नहीं है हो सकता है वो भी ज्ञान में हों uh, या जितना हम समझ रहे हैं वो भी है बात पर आप उनसे इनडिफरेंट नहीं रह सकते बिकॉज दैट्स अ टाइम दे नीड द सपोर्ट दे नीड यू द मोस्ट राइट एट द टाइम उस समय पे अगर आप इनडिफरेंट बिहेव करते हैं थिंकिंग कि मैं तो सोल हूँ और मेरा रोल नहीं है इनके साथ अभी या ये अपने ड्रामा के हिसाब से अपने कर्म इनके कर्म इनके साथ हैं या फिर जैसे ऐसा होता है ना दीदी तो वो फीलिंग भी तो फैमिली um, में एक मिस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर नॉट मिस बट वहाँ पे कोल्डनेस uh, फीलिंग yeah, उसको फिर कैसे हैंडल कर दीदी वेरी गुड क्वेश्चन बाबा हमें जो सिखा रहे हैं डिटैचमेंट वो इनडिफरेंस नहीं है तीन तरह की फीलिंग्स होती होती है एपथी वो होता है इनडिफरेंस किसी को भी कुछ हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो होता है कोल्ड बिहेवियर इनडिफरेंट एक होता है सिम्पथी उसको कुछ ऊपर नीचे हो रहा है उसको दुख हो रहा है तो उसके दुख में दुखी होना जैसे एक प्यार की निशानी हो गई है, है ना आजकल उसका दुख ना लूँ तो वो क्या सोचेंगे कि मैं इनको प्यार नहीं करती तो देखो कैसे उसको तो कोई दुखी नहीं हो रहा है उसको तो कोई फीलिंग ही नहीं आ रही है ये फीलिंग आ सकती है ना वो है सिंपथी कि मैं उनके दुख में दुख लूँ एक होता है एम्पथी एम्पथी है मैं उनके दुख में दुख नहीं लेती मैं उनके साथ गड्ढे में नहीं गिरती पर मैं गड्ढे से बाहर रह कर उनको सपोर्ट करती हूँ तो जैसे इस आत्मा के जीवन में भी जो पार्ट चल रहा है जिस पार्ट में किसी परिवार के सदस्य के पार्ट में था बहुत एकदम से ऊपर से नीचे आना वो बिल्कुल पास का रिश्ता बिल्कुल पास का रिश्ता अब वो ऊपर से नीचे अब वो आत्मा का कॉन्फिडेंस जो था वो हिलने लगा अब मैं इनडिफरेंट नहीं हूँ मैं डिटैचड हूँ डिटैच्ड मतलब फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बॉडीली रिलेशनशिप बट एंजल लिविंग विद एंजल बाबा का एंजल बाबा ने मुझे आत्माओं की सेवा के लिए यहाँ भेजा है तो मैं आत्मा उस आत्मा की सेवा कैसे करूं? अब मेरी सेवा सिर्फ बाहर के शब्दों से या बाहर के एक्शन से नहीं है तो अंदर क्या फीलिंग थी जब मैंने उस आत्मा को देखा कि उसका एकदम से हाईएस्ट जॉब जो था वो चला गया और एक दिन में उनको जॉब से निकाल दिया और वो आत्मा उसको समझ में नहीं आ रहा था अब उसका क्या होगा उसको उसका कॉन्फिडेंस क्रश हो गया अब मैं बोलूँ मुझे क्या फ़र्क पड़ता है मैं तो आत्मा हूँ तो मैं आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस राइट तरीके से नहीं कर रही हूँ मैं आत्मा जागृत ही नहीं हूँ अभी तक भी मैं आत्मा उस आत्मा की वर्थ उसके जॉब से रिलेटेड नहीं है वो आत्मा बाबा की नज़र में हमेशा वर्दी है वर्दी थी और वर्दी रहेगी ये तो सिर्फ एक पार्ट है चाहे वो कितना भी बड़ा अहदा था जिससे उनको उन्हें उन्हें निकाला गया पब्लिक में भी उनका सबको पता चला कि उनको निकाल दिया गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये आत्मा भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कर रही है मैं आत्मा उसकी सच्चाई को देख सकती हूँ सबसे पहले तो ये स्थिति या मेरे अंदर कोई अभी तक सक, अरे बेचारे का जॉब चला गया कितना दुखी है अब क्या करेंगे अब क्या होगा अब इसको कैसे समझाऊं बाबा इसको आप मेरे साथ हो ना इसको जॉब दिला दो <laughs> बाबा करेगा ये काम नहीं ये काम बाबा नहीं करेगा ये इतना इंपॉर्टेंट है भगवान का भगवान का टास्क क्या है वॉट इज गॉड हियर फॉर एंड वाट कैन गॉड डू एंड व्हाट कैन गॉड नॉट डू इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बोथ नहीं तो ये भक्ति का संस्कार है हमारे अंदर और भक्ति का संस्कार है कि इनको जॉब दिला दो बाबा मैं तो आपकी इतना करती हूँ इतनी सेवा करती हूँ इनका ये कर दो इनका वो कर दो इनको ठीक कर दो ना बाबा <laughs> तो ये तो मांगने भिकारी बन गई मैं भगवान के आगे और भगवान मुझे प्रिंस बनाने आया है Lara, you are the child of kings of kings, and here I'm acting like a beggar in front of God. I'm not a beggar, I'm the child of a king of kings. I, the soul, will have the power to be in my truth and the power to see the truth of all the other beings, how it exists eternally in the home of light. आई एम नॉट हेयर टू बैग आई एम नॉट हेयर टू चेंज एनी ड्रामा मैं किसी का ड्रामा चेंज करने के लिए नहीं आई हूँ मैं भिकारी नहीं हूँ मैं विक्टिम नहीं हूँ मैं स्लेव नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ जिसको सच्चाई पता है ड्रामा में कुछ भी पार्ट चल रहा है जॉब आया जॉब गया जॉब आया जॉब गया किसने क्या फ़र्क पड़ता है पर मेरी नज़र वो फिर हम ये आत्मा उनसे बात करती थी उस स्मृति में रहकर अपने अंदर का कोई भय आ भी रहा है तो वो बाबा को देखकर उस स्मृति में रह कर उस आत्मा की सच्चाई को देखकर उससे बात करती थी और ये पता चला अंदर से फीलिंग आने लगी ये तो एक बहुत फॉर्चुनेट सिचुएशन है बाबा बोलते ना व्हेन द बोट एंड द बोट मैन अ देन ऑल द स्टॉम्स बिकम अ गिफ्ट सारे तूफान तोहफे बन जाते हैं तो बाबा के साथ से जब सच्चाई में आत्मा रहती है उसको पता चलता है आत्मा की सच्चाई एक फिल्म के अंदर कोई जॉब चला गया या फिल्म में किसी अमिताभ बच्चन का जॉब चला गया या जॉब मिल गया या नहीं मिला उससे अमिताभ बच्चन सुपर हीरो नहीं है वो तो पिक्चर के बाहर सुपर हीरो है ना वो प्ले करते हुए भी उसको याद रहता है मैं सुपर हीरो हूँ जो प्ले कर रहा हूँ पार्ट जिसमें जॉब जाना और नहीं आना वो जाना सब पार्ट है ड्रामा का पर उसकी रियलिटी सुपर हीरो की चेंज नहीं होती है तो आत्मा की भी जो रियलिटी है सुपर हीरो की वो चेंज नहीं होती ड्रामा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उससे तो वो स्वरूप वो आत्मिक स्थिति में मैं वो आत्मा हूँ ये भी वो आत्मा है इसकी वर्दीनेस उसके जॉब पे डिपेंड नहीं करती है उसकी सक्सेस और फेलियर पे डिपेंड नहीं करती तभी तो बाबा हमें बोलते हैं सक्सेस और फेलियर से डिटैच तो जब मैं उस आत्मा की सक्सेस फेलियर से डिटैच हो गई तो मैं उसकी रियल वर्दीनेस को देख सकी कि इसकी रियल वर्थ तो बाबा देख रहा है तो बाबा जैसे देख रहा है क्या मैं देख रही हूं बाबा जैसे सोच रहा है क्या मैं सोच रही हूं बाबा जितना प्यार दे रहा है क्या मैं दे रही हूं तो मेरा एफर्ट बस इतना था आत्मा कितनी वर्दी कितनी लकी है इटर्नली कितनी फॉर्चुनेट है सीड स्टेज में बीज रूप में आत्मा को देखना है बीज रूप में हमारी क्या स्थिति है बस उसको देखना है वो ही सच्चाई है उस सच्चाई को ही बार बार उसी पे पानी डालना है ड्रामा में जो फिक्स्ड है वो होगा ही उसको मैं आत्मा परिवर्तन कर नहीं सकती मुझे अपनी स्मृति को परिवर्तन करना है और स्मृति से ड्रामा फिर अपने आप परिवर्तित हो जाएगा सो so दिस तो जैसे जैसे ये जो हुआ बहुत क्लोज रिलेशनशिप में था उस आत्मा को आत्मिक नजर में पूरा टाइम देखना बाबा के साथ इस आत्मा की सच्चाई क्या है उस आत्मा को भी एक दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाना वो ज्ञान में नहीं है तो उसका दूसरा पर्सपेक्टिव दिखाना दूसरे बाबा के साथ कनेक्ट होकर बाबा को जो कहना है उस स्मृति में रहकर उन्हें बताना कि उनकी वर्दीनेस जॉब पे डिपेंड नहीं करती उनकी वर्दीनेस फॉर है तो वो आत्मा भी सुनती है और उसके बाद उस आत्मा की जो सोच है वो परिवर्तित होने लगी फिर वह जो वो जॉब इंटरव्यूज के लिए जाती थी वो आत्मा तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि मिले ना मिले डजेंट मैटर मैं भिकारी की तरह इंटरव्यू में नहीं जाऊँगा मैं इंटरव्यू में अगर जाऊंगा भी तो मैं एक इस स्मृति से जाऊंगा कि जो ड्रामा में होना है वो होगा ही तो मैं अपनी स्मृति को सुख स्वरूप और खुशी की स्मृति से जाऊंगा इंटरव्यू में सबको सेवा करने जाऊँगा सबको सिर्फ ये देखने जाऊंगा कि ये सब आत्माएं हैं और मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूँ सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूं बस इतना किया उन्होंने तो तो ड्रामा में अपने आप ही सिचुएशंस बदल गई और ऐसी सिचुएशन आई जब वो ईगो उनके अंदर ख़त्म हो गया जो उनकी ऊंचे ओहदे का जो ईगो था वो ईगो जब उनके अंदर ख़त्म हो गया तो ड्रामा को सिचुएशन को देने की जरूरत ही नहीं थी और नई सिचुएशन आई जिसमें उनका बिल्कुल जो सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ऊपर हो गया तो जब वो ईगो ख़त्म हो गया तो ड्रामा को सिचुएशन को देने की जरूरत ही नहीं थी उसके बाद तो ड्रामा की हर सीन और सिचुएशन मेरे अंदर के उस ईगो के बीज को ख़त्म करने के लिए आती है ताकि मेरी जो आत्मिक स्वरूप का बीज है वो बार बार बिल्कुल हर सिचुएशन में मैं कितना यूज़ कर रही हूँ उस आत्मिक स्मृति को जिससे वो ईगो का बीज खत्म होता जा रहा है और जब ईगो ख़त्म हो जाएगा तो सिचुएशन की ज़रूरत ही नहीं है शांति oh, वंडरफुल <laughs> बहुत ही सुंदर आपका एक्सपीरियंस है एक सवाल लास्ट में मैं पूछ लेती हूँ सबकी तरफ से कि आपने बहुत ही अच्छी एक सोल कॉन्शस की प्रैक्टिस की है आपको सुनने के बाद यही अनुभव हुआ कि सोल कॉन्शस की प्रैक्टिस बहुत महीनता से बाबा के एक एक ज्ञान के शब्दों को बहुत गहराई में समझ करके किया हुआ है और सोल कॉन्सियस से ही आप गॉड कॉन्सियस यानी बाबा को यूज़ करते करते इन सारी सिचुएशंस को विन किया है तो ये प्रैक्टिस जब आपने शुरू की ज्ञान में आए एक होता है ज्ञान में आ गए ज्ञान में चल, चलना भी शुरू कर दिया लेकिन जो ये प्रैक्टिस शुरू की जब से आपने और इस प्रैक्टिस ने आपको अपग्रेड किया है तो उस प्रैक्टिस के दौरान आपकी वो कौन सी स्थिति रहती थी यानी क्या वो अंदर में कॉन्स्टेंटली आप फोकस रहते थे जिससे प्रैक्टिस को आप विन कर पाए आपने एकदम <laughs> बहुत बहुत ही एकदम अच्छा क्वेश्चन पूछा है एक ही प्रैक्टिस है अपने ऊपर पूरा ध्यान गुड मैं आत्मा अंतर्मुख होकर अपने मन के अंदर क्या चल रहा है और उसके लिए हर आत्मा मेरे लिए और हर आत्मा का पाठ मेरे लिए एक दुआ है तो कभी भी बंधन नहीं देखा रिश्तों को ये देखा कि ये मेरे मुझे लिबरेट करने आए हैं मुझ आत्मा को अपने अटैचमेंट्स जो संस्कार है अटैचमेंट का जो भी विकार हैं उनसे मुक्त करने के लिए आत्माएं आई हैं मेरे आसपास सब एंजल्स हैं जो मेरे अंदर क्या विकार हैं जो संकल्प हैं जो भी हैं वो बाबा बाबा के साथ मैं अपनी सच्चाई में स्थित होकर वो जो भी अंदर का जो कचरा है उसको साक्षी होकर देखूँ वो तभी पॉसिबल होगा ना जब सबका अपना अपना पार्ट प्ले होगा जो ड्रामा अनुसार है तो सिर्फ अपने ऊपर ध्यान अंतर्मुखता किसी के ऊपर ध्यान नहीं बाकी सबका पार्ट एक्यूरेट है सब राइट है सब ब्यूटीफुल है कोई ब्लेम नहीं ब्लेमलेस कोई ब्लेम नहीं धन्यवाद आपका पार्ट आपने गुस्सा किया धन्यवाद आप मेरी मदद करने के लिए भेजे गए हो आपने प्रेज किया वो भी धन्यवाद कहीं कुछ अटैचमेंट खुशी हो गई क्या अंदर चेक कर लूं थोड़ा <laughs> अगर खुशी हो रही है तो पता चल जाएगा कि ये इस गुड़िया से अभी तक अटैचमेंट है दुख हो रहा है तो पता चल जाएगा इस गुड़िया से अभी तक अटैचमेंट है तो इस इस गुड़िया से अटैचमेंट जितना जितना खत्म होता है आत्मा जितनी सिर्फ एक बिंदु हूं और कुछ नहीं हूं उसके लिए सब मुझे मदद करने के लिए भेजे गए हैं तो कोई मेरे लिए ऑब्स्टिकल नहीं है सब मेरे लिए एक गिफ्ट है Benevolent. Benevolent. अंदर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान बहुत बहुत दिल से आपका शुक्रिया करते हैं अच्छा। बाबा का और आपका क्योंकि बाबा ने इस एंजल को हमारे पास आज भेजा और सच में सभी को भी बहुत अच्छा लगा और ज्ञान की ऐसी मीठी मीठी और गहरी गहरी बातें करने में सचमुच आनंद आता है कल आप वापिस यूएसए जा रहे हैं। लेकिन जब भी आएंगे आपको अवश्य हम सभी की तरफ से निमंत्रण है जब भी आए आप हमसे मिलने के लिए जरूर इस फुलवाड़ी में आएंगे बहन को हम सभी बहुत दिल से थैंक्स भी करते हैं लेकिन साथ साथ इन्हों की स्थिति को हम अपने अंदर भरेंगे कि ऐसी स्थिति जो बाबा कहता है कि जैसे सोल कॉन्सियस स्थिति बनती है तो बाबा को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है बाबा निरंतर साथ रहता है और बाबा हमें यूज़ करता ही रहता है तो जो मेहनत रियल में बीज जो है सोल कॉन्सियस तो बीज को पकड़ करके ही आपने सारी प्रैक्टिस करके अपनी लाइफ को इतना सुंदर बनाया कि पूरी लौकिक जीवन को अलौकिक बना दिया है तो उन्हों को अभी हम सभी की ओर से कल के लिए कल जा रहे हैं तो हैप्पी जर्नी भी करते हैं और आपके पुरुषार्थ का और आपके अनुभव का लाभ हमें बार बार देते रहेंगे और ताकि हम सभी भी ऐसी उड़ती कला का अनुभव करते रहे आपका परिचय वैसे वो मान मना करते थे कि लौकिक परिचय नहीं देना लेकिन आपके मदर फादर है रमेश भाई और लता बहन आप इनके बेटी हैं और हमारे यहाँ रुचिर भाई अदिति बनाते हैं रुचिर भाई की आप अलौकिक में बहन भी हो बड़ी सिस्टर है तो ऐसे आपका परिचय है और आप यूएसए में ही रहते हैं यूएसए से ही आपने ज्ञान लिया है और यूएसए से ही आप पूरे परिवार को जैसे बाबा का एक के बाद एक बाबा के समीप सभी को ला रहे हो तो बाबा आपसे और ज़्यादा सेवा कराते रहे ऐसी हमारी दुआ बहुत, बहुत बहुत बाबा का भी थैंक्स और आपका भी थैंक्स और अंत में सभी यहाँ से दीदी से टॉले लेकर के जाएंगे अभी दो मिनट हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे